ब्लड यानी खून हमेशा लाल होता है ना? गलत। ब्लड अलग अलग रंगों का हो सकता है। मनुष्य और दूसरे मैमल्स में ब्लड लाल रंग का होता है, जबकि ऑक्टोपस में ये नीले रंग का होता है। ऑसिलेटेड आइस फिश में ब्लड बिल्कुल क्लियर होता है। पैपुआ न्यू गिनी में हरे ब्लड वाले शैंक पाए जाते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि ब्लड हमेशा लाल रंग का ही होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड किस चीज से बना है और ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स के क्या क्या रोल्स हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ब्लड का 55% भाग हल्का पीला चिपचिपा लिक्विड होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा मुख्यतः पानी और प्रोटीन से बना होता है। ये शरीर में न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और प्रोटीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। प्लाज्मा शरीर में हीट भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन प्लाज्मा ब्लड का वो कंपोनेंट नहीं है जो ब्लड को लाल, हरा, नीला या क्लियर बनाता है। प्लाज्मा में 92% पानी और बस 8% प्लाज्मा होता है। हमारा लगभग 45% ब्लड रेड ब्लड सेल से बना होता है। रेड ब्लड सेल्स बहुत ही छोटी बाइकॉनकेव डिस्क के आकार की सेल्स होती हैं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये बोन मैरो में बनती हैं और इनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, जिसमें आयरन होता है। इस प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की मदद से ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रंग लाल होता है। ऑक्टोपस में एक अलग प्रकार का स्पेशल प्रोटीन होता है, जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं, और ये ऑक्टोपस के ब्लड को नीला बनाता है। आइस फिश के ब्लड में हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन नहीं होता, जिसकी वजह से इनका ब्लड क्लियर होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ब्लड का बस 1% हिस्सा होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर की योद्धा हैं। ये हमारे शरीर को बाहर से हमला करने वाले, बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेन से बचाती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स पैथोजेन्स को दो प्रकार से नष्ट करती हैं। 70% व्हाइट ब्लड सेल्स फेगोसाइट्स होती हैं। ये पैथोजेन्स को फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया से निगल जाती हैं। दूसरी प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज फॉरेन पैथोजेन्स के साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें ज्यादा फैलने से रोकते हैं। आखिर में प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। ये ब्लड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है और घाव में इन्फेक्शन नहीं हो पाता। इस वीडियो में हमने जाना कि ब्लड का कलर लाल ही होना जरूरी नहीं है। ब्लड का कलर इस बात पर डिपेंड करता है कि रेड ब्लड सेल्स किस चीज से बनी हैं। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और हीट ट्रांसपोर्टिंग प्लाज्मा होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और ब्लड का 1% से भी कम हिस्सा होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, जो पैथोजेंस को नष्ट कर देती है।